हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज, इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ टोम्बो के ड्यूल ब्रश पेंस के बारे में। तो ये मेरे पास सेट है पोर्ट्रेट वाला, इसमें 10 पेंस हैं जो कि सारे पोर्ट्रेट में हम यूज़ कर सकते हैं, और ये आपको 96 शेड्स तक मिल जाता है। जो मैंने आपको ये दिखाया था, ये स्टैंड है, जो ये इसी का ही होता है बेसिकली। तो ये मुझे हॉबी क्राफ्ट वालों ने दिया था, मैंने आपको बताया था। तो ये भी जब मैं अभी डेली गया था तो उन्होंने मुझे दिया था, तो पोर्ट्रेट वाला, जैसे कि आपको पता है मैं पोर्ट्रेट सबसे ज़्यादा ड्रॉ करता हूँ, तो उन्होंने मुझे ये वाले दिए थे। तो इस वीडियो में देखेंगे किस तरह के हैं, किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स सी। सो गाइस, कुछ इस तरह का बॉक्स है, ड्यूल ब्रश पेंस टोम्बो से हैं, और ये सारे पोर्ट्रेट वाले हैं, और ये वाटर कलर बेस्ड है, और इसका प्राइस है 1500 तक आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। तो ये दो टिप हैं इसमें, एक ब्रश है और एक सिंपल है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, मैंने इसको ओपन कर लिया और इसके अंदर कुछ इस तरह के ये ड्यूल ब्रश पेंस हैं, काफ़ी बड़े हैं और काफ़ी अच्छे भी लग रहे हैं देखने में। और इसके अंदर एक कलरलेस ब्लेंडर भी है जिसको हम इनको ब्लेंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें तो सारे ये स्किन टोन वाले कलर्स ही हैं। ये कुछ इस तरह के एक ब्रश पेंस हैं, एक दिखा देता हूँ मैं आपको अच्छे से, उसके बाद यूज़ करके देखते हैं। तो ये कलर है, इसके ऊपर कुछ इस तरह से टोम्बो आर्ट। तो इस साइड है ब्रश, तो ये कुछ इस तरह का ब्रश है, काफ़ी बढ़िया होता है बेसिकली कैलीग्राफी के लिए, तो बहुत बढ़िया होता है ये कैलीग्राफी, आप इस काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं इससे। और इस साइड भी है इसमें जो कि कुछ इस तरह से है। तो ये वाटर बेस्ड हैं, वाटर कलर के साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं, वाटर कलर, कलर पेंसिल सभी के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बस पेपर मोटा होना चाहिए। और ये है कलरलेस ब्लेंडर जो कि सिंपल है और इसके आगे कोई भी नहीं है, तो इसको हम ब्लेंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। दो कलर को हमने ब्लेंड करना हो तो काफ़ी बढ़िया है ये भी। अगर आप 96 वाला पैक लेते हो तो उसके साथ में आपको ये भी मिलता है, ये स्टैंड, ये काफ़ी बढ़िया है। इसमें मैंने सारे अपनी स्केचिंग की पेंसिल्स वगैरह सब कुछ रखा हुआ है, तो इसके अंदर इस तरह से 96 आते हैं। अदरवाइज डिफरेंट डिफरेंट कलर में भी अवेलेबल हैं ये, अगर आपको कोई पर्टिकुलर कलर चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं। सो चलिए अब इनको यूज़ करके देखते हैं। काफ़ी अच्छे से कलर पेपर के ऊपर आ रहा है। नॉर्मली जब आप वाटर कलर यूज़ करते हैं तो इस तरह से नहीं होता है, हमको ब्रश का यूज़ करना पड़ता है। इसमें हमको पता हुआ किस तरह से कितना शेड हमको चाहिए, उसके हिसाब से हम यूज़ कर सकते हैं। और ये दूसरा कलर है, तो इसमें ओनली 9 कलर्स ही हैं जो कि हम पोर्ट्रेट के लिए बेसिकली यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पोर्ट्रेट में इंटरेस्ट है तो आप इनको ले सकते हैं, वाटर कलर के साथ यूज़ कर सकते हैं, कलर पेंसिल के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये आपको मिक्स करके दिखा रहा हूँ, ये अब मैं ब्लेंडर यूज़ कर रहा हूँ जो कि कलरलेस ब्लेंडर है, तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये कुछ इस तरह से हम ब्लेंड कर सकते हैं। अब मैं आपको सभी एक एक करके यूज़ करके दिखा देता हूँ। तो ये तो काफ़ी लाइट शेड है देखो, और उसके बाद ये थोड़ा डार्क है उससे, हाँ ये उससे डार्क है, तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं पोर्ट्रेट्स में। और ये वाला भी देखो, ज़्यादा डार्क नहीं है इसमें, लाइट वाले भी काफ़ी अवेलेबल हैं जो कि काफ़ी बढ़िया होते हैं पोर्ट्रेट्स के लिए। और ये भी है, और ब्लैक दूसरी साइड यूज़ करके दिखाता हूँ। दूसरी साइड भी ऐसे ही होता है कुछ। कैलीग्राफी में तो बहुत तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, डिटेलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो कुछ ड्रॉ करना हो तो यूज़ कर सकते हैं। वाटर कलर बेस्ड हैं तो काफ़ी बढ़िया, कुछ ड्रॉ करके देखता हूँ। और कैलीग्राफी के लिए तो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, जो भी कैलीग्राफी करते हैं आर्टिस्ट उनके पास तो ये ज़रूर होते हैं। जो भी स्टाइलिश से अगर आपने कुछ लिखना हो तो आप कर सकते हैं इनका यूज़, अगर आपको आता है तो। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता, इवन मेरी हैंड राइटिंग भी बहुत ख़राब है, मैंने कभी कर्सिव भी नहीं सीखी है, तो मैं ट्राई करूँगा अगर टाइम मिलेगा तो सीखने की। अभी तो मैं बस ऐसे ही अपना नाम लिख रहा हूँ, इसके बाद पोर्ट्रेट में ट्राई करते हैं इन पेंस को। सो अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ विराट कोहली को, तो मैं कंप्लीट इन्हीं का यूज़ करूँगा। वैसे हम कंप्लीट इनका यूज़ करके बिल्कुल रियलिस्टिक तो नहीं बना सकते, अगर आपको बिल्कुल रियलिस्टिक बनाना है तो आपको कलर पेंसिल्स का भी यूज़ करना पड़ेगा डिटेलिंग के लिए, क्योंकि इनसे डिटेलिंग नहीं हो सकती, वाटर बेस्ड हैं। अगर आपको कार्टून टाइप में बनाना है, मतलब ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं बनाना है, वाटर कलर टाइप में बनाना है, तब आप इनका यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे से आप पोर्ट्रेट्स ड्रॉ कर पाएंगे। बट मैं अभी इन्हीं को यूज़ करूँगा और देखेंगे किस तरह का रिजल्ट हमको देखने को मिलते हैं। आने वाली वीडियोस में मैं ट्राई करूँगा कलर पेंसिल्स के साथ भी मिक्स करके कुछ ड्रॉ करने की, कलर पेंसिल्स को भी मिक्स कर सकते हैं इसमें, काफ़ी अच्छे से यूज़ हो पाएंगी। सो वीडियो कर देता हूँ फास्ट, देखते हैं किस तरह से ड्रॉ हो पाता है। मैं ओनली इसी का यूज़ करूँगा, बिल्कुल रियलिस्टिक तो नहीं बनेगा क्योंकि उसके लिए फिर कलर पेंसिल्स का यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि बियर्ड हो गया, जैसे कि लिप्स में देखो यहाँ पर कितना फैल गया है, वहाँ पर मुझे थोड़ा सा वहाँ पे पेंसिल का यूज़ कर सकते थे हम। और बियर्ड के लिए जैसे कि फाइन यहाँ पे हेयर्स होते हैं उनको ड्रॉ करना पड़ता है, तो हेयर हो गए देखो पूरे, मतलब डार्क से हो गए, तो कोई बात नहीं, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर कलर पेंसिल यूज़ करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा साथ में।
सो स्किन का टेक्सचर कुछ इस तरह से ड्रॉ हो पाया बिना कलर पेंसिल्स के। मैंने ज़्यादा कलर पेंसिल्स का यूज़ नहीं किया इसमें, बट फिर भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से स्किन का टेक्सचर ड्रॉ हो पाया। अगर कलर पेंसिल्स और मिक्स करके हम ड्रॉ करते तो बिल्कुल रियलिस्टिक भी बना सकते हैं। और गाइस ये वाटर बेस्ड है तो इसके लिए आपको मोटे पेपर का यूज़ करना पड़ेगा। ये मैंने आइवरी पेपर का यूज़ किया है जो कि 210 GSM का है, तो ये काफ़ी मोटा होता है, तो ऐसे पेपर आप यूज़ कर सकते हैं। पतले पेपर बिल्कुल भी यूज़ मत करना, 160-170 GSM मत यूज़ करना। ये देखो मैंने कितना पतला पेपर यूज़ किया था और इसके पीछे छप गया क्योंकि वाटर बेस्ड है। तो आपको रिकमेंड करूँगा आप आइवरी पेपर यूज़ कर सकते हैं, आइवरी स्मूथ होता है तो आप स्मूथ यूज़ कर सकते हैं। रफ़ पेपर यूज़ मत करना बिल्कुल भी इस तरह के वर्क के लिए। सो गाइस ये हैं टोम्बो के ड्यूल ब्रश पेन जो कि वाटर बेस्ड हैं। अगर आप वाटर कलर में इंटरेस्टेड हैं तो आप इनको बाय कर सकते हैं क्योंकि वाटर कलर्स के लिए तो बेस्ट हैं। अगर आपको डिटेलिंग करनी है और कैलीग्राफी के लिए भी काफ़ी अच्छे हैं, और अगर आपको हल्की फुल्की शेडिंग करनी है क्योंकि आपको डिफरेंट डिफरेंट ये शेड्स में अवेलेबल होते हैं, हल्की फुल्की कलर्स में शेडिंग करनी है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आर्किटेक्चर के लिए जैसे कि एनिमेटेड जो ड्राइंग होती है उनमें भी ज़्यादा मतलब कलर्स को मिक्स नहीं करना होता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और कैलीग्राफी के लिए तो मेन है, आई थिंक जो भी कैलीग्राफी करते हैं उनके पास तो ज़रूर होते हैं, ये टेक्निक होती है जो कि आपको आनी चाहिए। आप काफ़ी अच्छे से इनका यूज़ करके कैलीग्राफी कर सकते हैं। और पोर्ट्रेट्स में मैंने आपको दिखाया कि कलर पेंसिल्स में कितने अच्छे से मिक्स हो रहे थे, तो मैं ट्राई करूँगा आने वाली वीडियोस में कि कलर पेंसिल्स के साथ में इनको मिक्स करके कुछ बनाने की। अदरवाइज़ कैलीग्राफी भी मैं ट्राई करूँगा। मेरे एक आर्टिस्ट हैं जो कि कॉन्टैक्ट में है, कैलीग्राफी काफ़ी अच्छी करते हैं, उनके पास भी है तो उनसे मैं कुछ पूछने की ट्राई करूँगा, और अगर होगा तो मैं वीडियो भी जरूर बनाऊँगा। फिलहाल के लिए तो इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके बताना किस तरह की लगी आपको वीडियो। तो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैं ऐसे और प्रोडक्ट्स पे रिव्यू वीडियोस बनाता रहूँगा जो भी यूज़ करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक डू प्रैक्टिस, डू इंप्रूव, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।